तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे की पेटी। तो दोस्तों पानी को हमने बॉयल करना है, उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी ऐड करना है। सबसे पहले पेटी की हमने सफाई करनी है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम पेटी को साफ करना। जब पानी आपका उबलने लग जाए तो पेटी को निकाल लो और इस तरह से चाकू से उसकी पेटी को रगड़ना है, जिससे कि उसके जो छिलके हैं वो उतर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपको हार्ड लग रहे हैं वो उतार लेने, जो नरम है उसको उतारना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों पेटी खाने में इतनी टेस्टी होती है, मगर मेहनत बहुत है इसमें, ठीक है। तो छोटे छोटे हम कर लेंगे इसके पीस। और फिर अभी हमने कढ़ाई रख दी, तेल डाल दिया, थोड़े से खड़े मसाले आपके पास घर में जो भी है, और ये डाल दिया आपने प्याज मिर्ची अदरक लहसुन एक ही साथ में इकट्ठा, ठीक है। जब ये मसाला भुन जाएगा तो पेटी हम इसमें डाल देंगे। ये लो पेटी हमने अभी डाल दी है, अभी इसको हम अच्छे से भूनेंगे भाई, ठीक है। भूनते रहेंगे दोस्तों। यहाँ तो ये आप अगर चावल के साथ खाना चाहते हो तो कुकर में बना सकते हो, जिससे कि इसकी आपकी ग्रेवी हो जाएगी, मगर मैं खाऊंगा आज रोटी से, तो इसको मैं थोड़ा सूखा सूखा ही बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़े से हमने क्या करना है, धनिया पाउडर, जो मटन जो है आपका मसाला है वो भी डालना है थोड़ा सा, और अच्छे से आपने इसको पकाते जाना है दोस्तों। इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर आपका पेटी के ऊपर डिपेंड करता है, पेटी आपकी अगर जो आपका बकरा है वो बड़ा है, ठीक है, तो वो पेटी गलने में टाइम लेती है, ठीक है। तो अगर आपका छोटा बकरा उसकी पेटी है तो वो जल्दी गल जाएगी, मगर मेरा जो अभी पेटी लेके आया था बाज़ार से, तो वो बकरा बहुत बड़ा था उसकी पेटी से, तो इसलिए लास्ट में दोस्तों टमाटर डालने, टमाटर पहले नहीं डालने, ठीक है दोस्तों। टमाटर अगर पहले डाल दोगे तो फिर वो गलेगा नहीं, पेटी गलेगी नहीं, ठीक है। तो आपने टमाटर बाद में डालने, तो थोड़ी हल्दी कम लग रही तो हल्दी थोड़ी सी मैंने ऐड कर ली, तो अच्छे से इसको पकाते रहो। थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, ढक दो। तो अभी जो है रोटी कर लेते हैं थोड़ी सी गरम, घी लगा के, क्योंकि रोटी के साथ पेटी का मज़ा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं खाने वाला हूँ रोटी के साथ पेटी। तो तकरीबन दोस्तों पेटी जो है बन चुकी है, और 5 मिनट के बाद हमारी पेटी बनके तैयार हो गई दोस्तों। तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों खा के, तो आपको बताते हैं कैसा टेस्ट। तो पहली वाइट जो है रोटी के साथ ली जाएगी, तो आप भी इस तरह से पका सकते हो पेटी, बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वॉच टाइम मेरा नहीं हो रहा है पूरा, तो प्लीज़ पूरा करवाइए। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।